एक बार इंडिया ने कहा जापान से, हमारे पास दुरंतो है, हमारे पास वंदे भारत है, तुम्हारे पास क्या है? तो जापान ने कहा मेरे पास बुलेट ट्रेन है। तो इंडिया को बुरा लगा और इंडिया ने ठान लिया कि इंडिया में बुलेट ट्रेन भी आएगी। इंडियन रेलवेज एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बिकॉज इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव और उसका कन्वीनियंस भी बहुत अच्छा है। हमारे पास ऐसी ऐसी ट्रेनें हैं जो बहुत बेस्ट है। जैसे कि इंडिया ने बोला था, हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। हमारे पास गतिमान एक्सप्रेस है जो 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागती है। हमारा जो ट्रैक गेज है वो है 1676 mm से लेके 1435 mm तक। और इंडिया इज़ फोर्थ लार्जेस्ट इन नेशनल रेल सिस्टम। इंडियन रेलवेज़ अभी अपनी ट्रैक सिस्टम पे काम कर रही है सो दैट हमारा जो स्पीड लिमिट है उसको बढ़ाया जा सके। और जैसे कि इंडिया ने ठान लिया था कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, तो इंडिया इज़ वर्किंग ऑन क्रिएटिंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इन दिस मैप आप देख सकते हो कि ये है हमारा इंडियन रेलवे का नेटवर्क। नरेंद्र मोदी जी और शिंजो आबे जी ने 2018 में बुलेट ट्रेन की नींव रखी। NHSRCL इसको लीड करेगी और गवर्नमेंट ने ऐसे 12 रेल हाई स्पीड कॉरिडोर को प्रपोज करा गया है। ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ये E5 सीरीज की शिनकानसेन ट्रेन्स है जो जापान में हाई स्पीड कॉरिडोर में यूज करी गई बुलेट ट्रेन्स है। ये ट्रेन हिताची एंड कावासाकी ने बनाई है। इसका जो कॉस्ट आता है वो है 42 मिलियन फॉर 10 कार सेट्स। इंडिया में यही ट्रेन यूज़ करी जाएंगी, मगर आपको तो पता है इंडिया का क्लाइमेट 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, इसलिए ये ट्रेन को मॉडिफाई करके यूज़ करा जाएगा। पहला कॉरिडोर जो है वो मुंबई अहमदाबाद बनने वाला है। क्या आपको पता था कि जो फिजिबिलिटी स्टडी होने वाली है बुलेट ट्रेन के लिए, उसमें जापान एंड इंडिया ने इक्वली खर्चा उठाया है जो ऑलमोस्ट 500 मिलियन येन है। इसको अप्रैल 2020 में चालू करके दिसंबर 2023 में एंड करना था, मगर बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन में डिले होने के कारण अब ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2028 को कंप्लीट होगा। इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्चा 14 बिलियन US डॉलर है, जिसमें 11 बिलियन US डॉलर इज फंडेड बाई जापान एट 50-ईयर लोन एट द रेट 0.1% इंटरेस्ट के साथ। एनालिसिस ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये 20 बिलियन US डॉलर तक जाने वाला है। इसमें जो बचा हुआ अमाउंट है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट अपने एंड से पे करेगी। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लैंड एक्विजिशन का। एज ऑफ 15 दिसंबर 2022, 98% ऑफ द लैंड हैज़ बीन एक्वायर्ड एंड दिस इज बिगेस्ट माइलस्टोन फॉर इंडियन रेलवेज। वैसे बताओ, आपको पता है क्या हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का क्राइटेरिया क्या है? अगर रेलवे की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी तो वो रेल हाई स्पीड कॉरिडोर में आती है। करेंटली 7 घंटे लगते हैं अहमदाबाद से मुंबई आने में। रेल हाई स्पीड कॉरिडोर के बाद 2 घंटे लगेंगे खाली। ये कॉरिडोर में हम 12 स्टेशंस को क्रॉस करेंगे। 1435 का गेज साइज रहेगा और जो स्पीड है वो 320 किलोमीटर पर आवर पे सेट करी गई है। टोटल लेंथ जो है रूट का वो है 508 किलोमीटर्स। ट्रेन 10 से 16 बुग्गी की रहेगी और उसमें 1300 से 1600 पैसेंजर बैठेंगे। मुंबई में अगर ये ट्रेन डाल दे तो क्या लोग बैठ पाएंगे, कमेंट करके बता देना। मुंबई लोकल ट्रेन जो है वो 2000 कैपेसिटी के लिए रेटेड करी गई है, मगर उसमें 4500 पैसेंजर्स बैठते हैं। इसलिए सैल्यूट टू इंडियन रेलवेज। जापान में हो सकता है क्या रेटेड कैपेसिटी से इतना ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे? अभी तक हमने देखा है टाइमिंग, लेंथ, कितने स्टेशंस, क्या स्पेसिफिकेशंस है। अब देखते हैं कितना फेयर है। NHSRCL ने स्टेट करा गया है कि मैक्सिमम 3000 से लेके मिनिमम 250 तक है। इस कॉरिडोर के लिए 3 टर्मिनल सेट करे गए हैं जिसमें मुंबई, बड़ौदा और अहमदाबाद रहेंगे। मुंबई में एक टर्मिनस बनेगा जो BKC में बनेगा, इसका बहुत डिस्प्यूट्स थे वो अभी सॉल्व हो गए हैं। उसके बाद बड़ौदा में एक प्लेटफॉर्म जो 6th प्लेटफॉर्म है उसको बुलेट ट्रेन के लिए यूज़ करा जाएगा। बड़ौदा पीपल लकी है, मेरे को लगता है टर्मिनस बन गया है बड़ौदा में बुलेट ट्रेन के लिए। उसके बाद जो लास्ट टर्मिनल बनेगा वो साबरमती स्टेशन पे बनेगा। 10th, 11th और 12th प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलेट ट्रेन के लिए टर्मिनल बनेगा।
इंडिया में बुलेट ट्रेन लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज़ बताना। या फिर जो एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे की सिस्टम है उसी को अपग्रेड करना चाहिए। और जो जो लोगों को इंडियन रेलवे बहुत पसंद है वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो ये था वीडियो आज के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे, जो इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये जो ट्रेन देखी है ना, ये कितना स्पीड में गई है, क्या आपको लगता है और भी स्पीड की ज़रूरत है?